चलिए मेरा कोई एक रिलीजन हो सकता है, वही सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है ना। करेक्ट, मैं बिहारी भी तो हूँ। सही बात है। फिर कास्ट भी तो आएगा, जेंडर भी तो आएगा, फिर मैं कुछ काम भी करूंगा, मैं जेएनयू वाला भी तो हूँ। एक इंसान के ना मल्टीपल आइडेंटिटी है। अभी ऐसा माहौल देश में बनाया गया है कि एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी के बरक्स, उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। भारत में डाइवर्सिटी तो है, ठीक है ना, उसकी यूनिटी की तो बात होती है, लेकिन यूनिटी की भी डाइवर्सिटी की हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खतरनाक ट्रेंड है। अब आप कोई भी शहर चले जाओ, एक ही जैसा लगता है। अरे उस शहर की अपनी कोई खासियत होगी ना, एक ही जैसा शहर दिखने लगा। ठीक है, वो जो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा जो एक पहचान है, जो दूसरे पहचान के अंदर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। भारत में ही ये पॉसिबल है कि स्टेट को रिलीजन के साथ न्यूट्रल रखा जा सकता है, और रखा गया था। ऐसा नहीं लगता है कि वो एक रिप्रेस्ड इमोशन था लोगों के मन में, जिसको एक एक्सप्रेशन का वे मिल गया है, तो अब आपको दिख रहा है जिस चीज को छुपाया गया शुरू में। अगर आप कहेंगे नहीं ये दबी हुई भावना थी, आजकल बड़ी ये बहस लोग कुछ लोग कर रहे हैं, फिर ये दबी हुई भावना तो 47 से नहीं थी साहब, फिर तो इसके जो है हजारों साल के इतिहास है, फिर आप ऐसा ढूंढना चाहेंगे तो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रयास भी विफल होगा। प्रयास विफल क्यों होगा? क्योंकि हिंदू धर्म वैसा है ही नहीं जहाँ आप सिर्फ एक भगवान, ठीक है, एक किताब या एक सिंबल जो है ना आप क्रिएट। बट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर दैट कन्वीनियंट आइडेंटिटी टू लैच ऑन टू? आपको क्यों लगता है कि ये फिनोमिनन भी क्यों है?